गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में आज भारतीय जनता पार्टी का उत्सव गार्डन गढ़वा में जिला सेमिनार का आयोजन किया गया। कोविड-19 से सफलतापूर्वक देश को सुरक्षित रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य को जिला के कार्यकर्ताओं को बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश केसरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के प्रवक्ता जिला के प्रभारी श्री अमित कुमार सिंह एवं प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख श्री मनोज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, शारदा महेश प्रताप देव, ओम प्रकाश तिवारी, अलक पांडे, रघुराज पांडे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज राष्ट्र को मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 राष्ट्र को सुरक्षित इस कठिन घड़ी से निकाल रहे हैं। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि आज पूरा देश को मुफ्त में कोविड-19 के वैक्सीन देकर पूरे विश्व के लोगों को मोदी जी ने अपनी ओर आकर्षित किया है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संतोष दुबे ने किया। कार्यक्रम में सभी जिला पदाधिकारी, सभी मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री, सभी मोर्चा के अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सरकार को खास करके गढ़वा जिला को जो वेंटिलेटर दिया था, प्राण रक्षा के लिए जो मशीन दिया था, रेमडेसिविर जो काफी जीवन रक्षक दवाई था, उसका भी कालाबाजारी यहाँ हुआ। एक एक ऑक्सीजन यहाँ 8-8 हजार रुपये में वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कालाबाजारी किया गया। आज वर्तमान सरकार से नोट फसूल की सरकार है और इस कोरोना को भी अवसर के रूप में बदलने का काम किया है, कमाने का चला रहे हैं इनके द्वारा। नहीं देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने दो फेज का कोविड का संकट देखा। एक तो प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, दूसरा राज्य सरकार द्वारा अपने अपने हिसाब से राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई। दोनों फेज में जो काम हुआ, जो केंद्र सरकार के द्वारा काम हुआ, जो संगठन के द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से काम हुआ, आज चीज को हम लोगों को अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को, अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ता को, अपने जिला स्तर के कार्यकर्ता को बताने की जरूरत है और उनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि हम लोगों ने इस पीरियड में इस तरह से जनता की सेवा की, जनता की मदद की और यही इसका उद्देश्य है। आज इसी उद्देश्य के माध्यम से आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हमारे बीच में प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में प्रशिक्षण के पूरे प्रदेश के प्रमुख, जिनके नेतृत्व में पूरा प्रशिक्षण चल रहा है, मनोज सिंह जी बैठे हुए हैं, मुख्य वक्ता हैं। वो अभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि वो कार्यकर्ता नीचे स्तर पर जाके अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और हम इसको एक व्यापक रूप से चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, व्यापक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश आज दुनिया में नंबर 1 है वैक्सीन के मामले में। हमारा हमारे प्रधानमंत्री को यूएन ने तारीफ की है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने उनकी तारीफ की है इस कोविड के संकट को रोकने में। तो हम ये चीज़ अपने जनता के बीच में पहुँचाना चाहते हैं, अपने जनता भी करने का काम किया है। आप देखिए झारखंड में, जहां की झारखंड से दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देने का काम सेल ने किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने काम किया, वहां झारखंड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना ये राज्य सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक रहा है। और हम इसको कह सकते हैं, नट सेल में कह सकते हैं कि विपक्ष इसमें राजनीति करने का काम किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जिले में और मंडलों में हम यहाँ के आम जनों को ये बताने का भी काम करेंगे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में जितनी भी संकट आएंगे, उस संकट से लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे केंद्र की सरकार दृढ़ता के साथ कर रही है और आगे भी करेगी, यही हम बताने के लिए आज का कार्यक्रम करते हैं। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर एक सेमिनार करके अपने पार्टी के सभी
प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को ये जानकारी देने का काम, ये बताने का काम कि किस प्रकार से कोरोना के संकट काल में, इस वैश्विक महामारी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकट आई, उस संकट के समाधान में क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों को विस्तृत जानकारी देना, ये हमारा आज के कार्यक्रम का लक्ष्य रहा है। और हम सब जानते हैं कि ये जो दूसरा कोरोना का जो यह लहर रहा, इसमें कई अपने लोगों ने जान गंवाया। इसके बाद भी जितना तेजी से ये लहर आया, उतना ही तेजी से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके समाधान की दिशा में हर संभव कदम उठाने का काम किया है। आपने देखा है कि कैसे हर राज्य को आवश्यकता के अनुरूप जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमियां थी, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, दवा जो हमारा रेमडेसिविर, जो प्रमुख दवा, जो जीवन रक्षक दवा था, उस दवा का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा करके सभी जगहों पर सभी राज्यों को उपलब्ध कराना, कैसे इस महामारी में अपने जो गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ भुखमरी न हो, इसलिए अगला जो 21 के दीपावली तक अनाजों का मुफ्त राशन वितरण करने का काम करना, अभी आने वाला जो तीसरा लहर है उसकी संपूर्ण तैयारी अभी से करना, जो तीसरी लहर आने की जो संभावना है उसमें काम करना, सभी जिलों को पिछला जो हमारा का वर्ष जो बीता हुआ वर्ष था, उस वर्ष में जो प्रधानमंत्री पीएम केयर से आपके गढ़वा जिला को भी 14 वेंटिलेटर देने का काम करना, ऐसे कई संसाधन उपलब्ध केंद्र सरकार ने काम किया, ये एक दुर्भाग्य की बात हम कह सकते हैं। A&V Films Production एक बड़े स्तर पर डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग का ऑडिशन करवाने जा रहा है, जिसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में आने वाले प्रतिभागियों को फिल्म, वेब सीरीज तथा एल्बम में कार्य का मौका दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9518833632। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673।